तो दोस्तों पार्ट वन आपने ख़त्म किया, पार्ट टू यहाँ शुरू करते हैं। अगेन आई रिपीट, ये जो फाइल है इस फाइल में एक या दो या तीन चीज़ें हैं जो शायद गलत हो सकती हैं, लेकिन मैं साथ साथ वीडियो में सही करता जा रहा हूँ, ठीक है। एंड कुछ कमेंट्स भी देखते रहिए, बच्चे भी वहाँ डिस्कस करते जा रहे हैं, तो बहुत ही एक मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। तो ये पार्ट टू है, यहाँ पर हमने पहले 100 सवाल डिस्कस किए थे, अब इसमें टोटल 80 समथिंग और क्वेश्चन हैं, मैं रैपिडली आपके साथ डिस्कस करता हूँ इस पार्ट टू में। देन हम मार्च 2020 तक अंत कर देंगे और इसमें कुछ और शॉर्ट वीडियोज़ हैं वो को देखने। तो चलिए मैं 101वें सवाल से शुरू करता हूं। पार्ट वन में हमने पहले 100 सवाल डिस्कस किए थे। ओके दोस्तों, पहुंच गए 101वें सवाल पर। तो बीबीबी पर बैंक बोर्ड्स ब्यूरो पर सवाल लास्ट ईयर भी आ चुका है, एंड 2019 में एक क्वेश्चन था और वही एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है कि यहाँ पब्लिक सेक्टर बैंक्स को जो डीलिंग जो स्ट्रैटेजीज वगैरह बनाने में हेल्प करता है एंड जो सिलेक्शन ऑफ हेड्स, सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के नहीं दोस्तों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हेड भी बीबीबी सेलेक्ट करने में रिकमेंड करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री अपॉइंट कर देती है। देन दोस्तों फेरा फेमा न्यूज़ में थे, फेरा 73 में आया, फेमा 99 में आया, और फेमा ने ही आरबीआई को ऑथराइज किया कि कैपिटल एक्शंस जो है अकाउंट की उसको रेगुलेट कर सकता है। तो ये तीनों सही हो जाती हैं, यहां पर मैंने करेक्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। एक प्रीवियसली क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया था लाइव स्टॉक वाला, जहां पर पंजाब रैंक वन दिया था, मैंने आपको वहीं बता दिया है यूपी वहां पे आंसर था, यहां पर एक ही आंसर है। तो ऐसे कुछ एक दो क्वेश्चन में गलती है तो आप प्लीज उनको ध्यान रखिएगा इसी डॉक्यूमेंट में, क्योंकि वो क्लेरिकल एरर्स हैं, वो द क्रीप इन। ओके देन दोस्तों, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स हमने अभी रिसेंटली ही डिस्कस किया अपने प्रीवियस वीडियो में, वीकली नहीं आता, मंथली आता है, एंड उसके बाद ये 2014 के बाद ही लागू किया गया है कि इसको जो हर बार दिया जाएगा, बेस भी सब कुछ वही है सीपीआई वाला, बस जो फूड प्राइस इंडेक्स है वो सेपरेटली फूड वाली आइटम्स पर ही बेस्ड है, सीएसओ द्वारा निकाला जाता है, मॉस्पी का पार्ट है, एटसेट्रा, है ना, कुछ ऐसे नई बात नहीं आई। देन नाम की बात करें, वो कह रहे हैं कि अगर आपने ई नाम का पार्ट बनना है किसी, अगर जो स्टेट की किसी मंडी ने, एपीएमसी ने, तो तीन तरह के रिफॉर्म्स करने होंगे। तो ये तीन तरह के रिफॉर्म्स हमने लिख दिए कि एक तो लाइसेंस को यूनिफाई करना होगा, सिंगल पॉइंट लेवी, एक ही तरह का टैक्स होगा कि बस अगर स्टेट में किसी भी एपीएमसी में जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और एक ही बार टैक्स देंगे, एंड ई ऑक्शनिंग वगैरह के लिए जो आपको मोड्स करने पड़ेंगे एक्टिवेट। तो ये तीन तरह के ही रिफॉर्म्स की बात हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत ही है और उसको, लेकिन अगर देखें तो एसएफएसी को ही हमने जैसे पहले पढ़ा था, एसएफएसी इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, मेन इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। आईआईपी में बात करें, बहुत ही एक ये जैसे डिफरेंट तरह का सवाल दिखा हमें कि जो पीआईबी में न्यूज़ थी कि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर तो काउंट, यहाँ काउंट होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में क्या रिन्यूएबल एनर्जी काउंट होती है आईआईपी में? जी बिल्कुल होती है, सरकार ने रिसेंटली ही अमेंडमेंट की थी। एंड देन उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग देखें, हाईएस्ट आइटम ग्रुप्स और वेट्स हैं आईआईपी पर, हमने वीडियो भी बनाया हुआ, मैंने आपको रिपीट करता हूँ, उसको एक बार देख लीजिए, बहुत जल्दी चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं। एंड देन उसके बाद ब्रिक्स की बात करें, पहली जो ब्रिक मीटिंग हुई थी दोस्तों कहाँ पर हुई थी, एक बार जगह का नाम देख लो, ठीक है, यकटरीना बर्ग, आई डोंट नो वेयर इट इज़, तो रशिया में है ब्रिक्स, वहाँ जो ब्रिक की पहली मीटिंग हुई थी, लेकिन ब्रिक्स बन गया था जब साउथ अफ्रीका 2010 में ज्वाइन किया था, सवाल आ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद अगर हम देखें, नाम जिम ओ'नील ने दिया था ब्रिक का, तो ये सवाल यूपीएससी लेकिन पूछ चुका है 2015-16 कभी, तो आई फॉरगॉटन। ओके तो G20 की बात करें, G20 अगेन रिपीट हो जाए, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो G20 जैसे सवाल हमने पहले भी किए थे, फ्रांस मेंबर है, बिल्कुल है, और EU भी मेंबर है, ठीक है, UK भी सेपरेट मेंबर है, तो EU जैसे ऐसा होता है G20 में 19 कंट्रीज हैं प्लस EU की कुछ कंट्रीज सेपरेटली भी अलग से ही मेंबर नज़र आती हैं हमें, ठीक है दोस्तों, जैसे फ्रांस, UK, जर्मनी, हमें देखते हैं ये EU के मेंबर्स भी हैं। चलो अब यूनाइटेड किंगडम तो ब्रेग्जिट हो गया नहीं है, लेकिन अलग से देखें तो EU के मेंबर्स भी यहाँ पर जो हमारे G20 के सेपरेट मेंबर्स भी हैं, ठीक है, तो चाइना भी G20 में, ऐसा नहीं है कि चाइना का हमने बहिष्कार कर दिया, इंडिया तो चलो है ही। ओके ठीक है दोस्तों, तो जो वेज एंड मीन्स एडवांस स्टेट्स के लिए होता है, अगर स्टेट्स को कुछ टेम्प्रेरी अगर कैश की दिक्कत आ रही है तो आरबीआई से 3 महीने या उससे शॉर्ट में आप उधार ले सकते हैं, ठीक है, तो WMA। नुमालीगढ़ रिफाइनरी मैंने आपको पार्ट वन में कहा था कि इसको पढ़ेंगे, जो ये हमारी असम में है और ब्रह्मपुत्र वैली में जो लाई करती है मिनी रत्ना PSU, सरकार ने इसको बेचने का फैसला किया कि इसको बेच देंगे अब, एंड देन नुमालीगढ़ के आसपास के इलाके भी आप देख लीजिए कि कहाँ लाई करती है, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है, ठीक है, कि नुमालीगढ़ की तमिलनाडु में, असम में, कर्नाटक में, कहां पर, ठीक है। देन कॉमन सर्विस सेंटर भी न्यूज में थे, तो कॉमन सर्विस सेंटर दोस्तों आपको लग सकता है कि शायद फाइनेंस वगैरह किसी मिनिस्ट्री में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री में है, जो हमारी जो ई गवर्नेंस की जो मुहिम है उसी का ही पार्ट है। बुलेट बॉन्ड्स जनरली आप देखें, इसमें सबसे जो जरूरी है बात जानने की, एक ही बारी में सारा पैसा वापस कर दिया जाता है, वो भी अंत में, ठीक है, और वो भी जो सारा जो भी ओवरऑल जितना भी इंटरेस्ट वगैरह मिलता है उसके साथ मिलाकर, तो इसको जो जिसने इशू किया होता है
वो जल्दी इसको कॉल नहीं कर सकता। ऐसा कि अगर उसको लगता है कि नहीं मेरा काम पूरा हो गया तो मैं लोगों के पैसे फटाफट वापस कर दूं, 5 साल के बजाय 2 साल में वापस कर दूं, ऐसा नहीं कर सकते। ये नॉन कॉलेबल बॉन्ड्स होते हैं, पूरे टाइम में ही वापस होंगे। एंड देन दोस्तों साख करेंसी जो स्वॉप फैसिलिटी हमने देखी थी पहले भी, ठीक है, हमने क्वेश्चन किया था 1975 में नहीं बनी, दो जो यहाँ पर देखें तो ये पर्टिकुलर जो है इनकरेक्ट आपसे पूछा गया, $2 बिलियन की है, बात करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। और RBI ने रिसेंटली इसको रिन्यू कर दिया कि 2022 तक फिर से चलाएंगे इसको। एंड यहाँ पर जो भी हमारे साख कंट्री, किसी को अगर कोई पैसे की दिक्कत आती है तो वो जो चाहे $US, चाहे यूरो, चाहे इंडियन रुपी, इसमें पैसे बोरो कर सकते हैं वो, ठीक है दोस्तों। तो ये शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, BOP क्राइसिस कुछ भी आ जाए, ठीक है, $2 बिलियन का है ये। एंड देन ये शुरू किया था 2012 में, ठीक है, 1975 में शुरू नहीं हुआ था। जितने भी साख कंट्रीज हैं उनके लिए जो ये ओपन है, लेकिन गिवन है कि पहले उन्होंने भारत के साथ इसको साइन किया हो, ठीक है, ओके। देन दोस्तों डेटा और स्टेटिस्टिक्स हमेशा ही न्यूज़ में रहते हैं, डेटा ऊपर हो गया नीचे हो गया, सरकार बोलती है डेटा बहुत सारी चीज़ों का है ही नहीं हमारे पास, अरे चलो जो भी है सरकार हो, आपके पास नहीं हो किसके पास होगा। तो NSO वो कह रहे हैं कि NSO जो है जो डेटा कलेक्ट करने की हमारे प्राइम एजेंसीज में से एक MOSPI के तहत है। एंड देन जो लेबर फोर्स पर भी हमने जो बहुत सारी टर्म्स हैं हमें पता होनी चाहिए, जैसे LFPR तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लेबर फोर्स क्या होती है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जो इवन कोविड के चलते ये काफ़ी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुआ होगा, लेकिन अभी रिसेंट डेटा हमारे पास नहीं है। देन दोस्तों WTO में बात डेटा की बात करें तो WTO बताता है हमें जो हमारी जो रिसेंट जो रिपोर्ट रिलीज हुई कि अगर हम मर्चेंडाइज मतलब गुड्स की बात करें तो उसमें अगर दुनिया भर में कितना हम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हमारा शेयर क्या है, तो एक्सपोर्ट में हम देखें तो मर्चेंडाइज मतलब गुड्स में हमारा शेयर 1.7 एंड इम्पोर्ट में 2.6, सर्विसेज में देखें एक्सपोर्ट में 3.5 एंड इम्पोर्ट में जो 3.25, ठीक है दोस्तों। सर्विसेज में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में दोनों ही में ज़्यादा शेयर है, मर्चेंडाइज में रिलेटिवली कम, लेकिन यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट इज जो सॉरी जो एक्सपोर्ट इज लेस देन इम्पोर्ट, यहाँ पर एक्सपोर्ट इज मोर देन इम्पोर्ट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पैटर्न्स हमसे पूछे जा सकते हैं, तो पैटर्न्स नंबर्स हो UPSC के थोड़े खास रहते हैं। गिग इकॉनमी वंस अगैन क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लग रहा था इतने आर्टिकल्स हैं गिग इकॉनमी पे, क्योंकि लोग जनरली गिग इकॉनमी की तरफ जाते जा रहे हैं, ना तो वो ऐसे टोटली अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना ही ऑर्गेनाइज है, इन बिटवीन कहीं फंस गए। तो सब इंडेक्स मैंने आपको कहा था 2 मिनट वीडियो देखने के लिए, अगर आपने देखा होगा आपको ये सवाल अभी अटेम्प्ट करना आसान हो जाएगा। सिमिलर सी चीज़ आपके साथ एग्जाम में भी होगी, आपने अगर वीडियोज देखे होंगे उसमें पॉइंट्स नोट किए होंगे, आंसर निकलेंगे। GDPR हम बहुत टाइम से इसको रट रहे हैं, बच्चों को रटवा रहे हैं, लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया, सॉल्व हो गया, यूरोपियन यूनियन ने लेकर आया था GDPR जनता के डेटा को सेव करने के लिए। भारत के 5 ईयर प्लान हमने वीडियो बनाकर डाला हुआ है, उस पर भी उस जो सवाल लास्ट ईयर आ चुका है कि पहले प्लान सेकेंड प्लान की फिफ्थ प्लान की क्या फोर्थ प्लान की क्या क्या जो थीम्स होती हैं, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्लोबल कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट दोस्तों, वंस अगेन ग्लोबल कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट आपके सामने है, ठीक है। मैंने आपको WEF की जो 4 रिपोर्ट्स वाला वीडियो है, प्लीज़ दोस्तों उसको देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होती हैं WEF की, सेपरेट वीडियो बनाकर डाला है, सिर्फ आप ही के लिए डाला है, अगर मुझे थोड़े ना रिवाइज करना है, मेरे तो अटेम्प्ट्स भी खत्म हो चुके हैं दोस्तों। और तो अगर आपको मेरे जैसे टीचर नहीं बनना, आपको रैंक लेना है और हमें अपनी वहाँ पर फोटो और हमें अपने हाथ से लिखी हुई लेटर एक्सेट्रा वीडियोज़ भेजने, तो आपको ये वीडियोज़ देखने होंगे, ठीक है, ओके। तो दोस्तों जो WEF की जेंडर गैप रिपोर्ट है उसमें कौन सी की डायमेंशन नहीं है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे 4 डायमेंशन है, मैं आपको फटाफट से बताता हूँ जो की डायमेंशन हैं, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल है, देन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ठीक है, कि विमेन पर ही फोकस्ड रिपोर्ट रहती है जो हमारी जेंडर गैप रिपोर्ट, लेकिन हेल्थ एंड सर्वाइवल है उसमें भी देखें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात यहाँ नहीं होती, ओके। देन दोस्तों जेंडर से जुड़ी हुई ही 4 रिपोर्ट्स हैं, प्लीज़ मैं चाहूँगा आप इनको अभी क्वेश्चन सॉल्व किए बिना आप इसको सब रट लीजिए। जो GII किसका पार्ट है, UNDP द्वारा निकालते हैं, देन उसके बाद जो GDI है, GDI GEM के साथ आती है, ये भी UNDP रिपोर्ट का पार्ट होती है, देन OECD निकालता है SIGI, ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड जेंडर इंडेक्स निकालता है, एंड देन जेंडर पैरिटी इंडेक्स UNESCO द्वारा निकाला जाता है। अगर हमें पहली ही बात यही पता लग गई तो हमारे काफ़ी सवाल शायद सही होने शुरू हो जाएं, ओके। देन दोस्तों GST की बात हमेशा ही गर्म रहती है, हॉट न्यूज ऑलवेज, तो कंपनसेशन फंड की बात भी हो रही है, ये क्यों बनाया गया था, क्योंकि जब स्टेट्स को वादा किया गया कि GST के चलते अगर आपको कुछ लॉस हुआ तो वील कंपनसेट, सेंटर ने कहा, तो इसके लिए हम एक फंड बना रहे हैं, हमने एक स्पेशल सेस लगा दिया, GST कंपनसेशन सेस कहा गया उसको, जो कि लग्जरी गुड्स या ऐसे गुड्स जो कंज्यूम नहीं करने चाहिए, ठीक है, वो जो सिन गुड्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इवन टबेको वगैरह भी डाल दिए गए थे, तो इन सभी को पर टैक्स लगा दिया, बहुत ज्यादा टैक्स था, तो उसी से पैसा कमाकर सरकार
सरकार कहती है वी विल कंपनसेट यू अगर आपका लॉस हो गया जो जीएसटी के चलते, और आपको ग्रोथ भी नजर ना आई आपका अगर रेवेन्यू ग्रो ना किया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये पैसा जाता कहाँ पर है, हमसे सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों। कंपनसेशन जो सेस का पैसा तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आता है, वहां से ट्रांसफर होकर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में चला जाता है। कौन से अकाउंट में? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में एक स्पेशल अकाउंट है, जीएसटी कंपनसेशन सेस अकाउंट, ठीक है। तो आपको पूछें जीएसटी कंपनसेशन सेस अकाउंट कहां पर है? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में है वो, एंड नॉन लैप्सेबल एक अकाउंट है, फंड है, जिसमें से पैसा निकालकर स्टेट्स को अगर कंपनसेशन अगर कम पड़ जाती है जीएसटी की तो उस पर पैसा दे सकते हैं। एनक्लैट की बात है तो स्टैंडर्ड स्टैटिक क्वेश्चन है, मैं डीप इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा एनक्लैट के बारे में बात की गई थी, न्यूज में रहते हैं। तो एंड देन दो उसके बाद है एमएसपी पर, कि एमएसपी में और कौन सी चीजें शामिल होती हैं। हम इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं, हमें लगता है ये तो कौन पूछने वाला है, तभी एग्जाम में आ जाती हैं, ठीक है। एमएसपी में आप देखें तो बोनस वगैरह जो सरकार को पे करते हैं, उसके सिवा प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी एफसीआई को उठानी पड़ती है, ठीक है। तो ये हम जैसे मैंने लेक्चर का ही यहां पर लगाया हुआ है, एक ये एक लेक्चर है हमारा पूरा एमएसपी पर, उसी में से ही आपको ये डायरेक्टली ये लिखा हुआ दिख जाता है कि हमने कि जो एमएसपी, क्योंकि ये हमने ओवरऑल जो लेक्चर ही भारत सरकार की वेबसाइट से ही लिया हुआ है, और कंटेंट अगर प्राइमरीली बोलूं तो इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन तीन कंपोनेंट्स हैं दोस्तों, इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। तीन कंपोनेंट्स हैं, एक तो पूल्ड कॉस्ट ऑफ ग्रेन्स, ठीक है, देन प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है दोस्तों। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, और ये इसमें से हमसे यही पूछ ली गई कि और कौन सी है, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ये लेक्चर का ही पार्ट है, दो तीन साल पुराना लेक्चर हो गया, लेकिन ये जो थियोरेटिकली तो साउंड रहेगा ही, तो इसलिए इसको देख सकते हैं। ऑपरेशन ट्विस्ट दोस्तों बहुत ज्यादा न्यूज में था। ऑपरेशन ट्विस्ट क्या होता है? यील्ड कर्व को चेंज करने की ट्राई करते हैं, लॉन्ग टर्म रेट वर्सेस जो शॉर्ट टर्म रेट है। हम चाह रहे हैं कि ओवरऑल जो ऑपरेशन ट्विस्ट पहले यूएस में जैसे लाया गया था, कि हम जो लॉन्ग टर्म वाले जो भारत सरकार में इवन आरबीआई ने सॉरी नॉट भारत सरकार आरबीआई ने बाय किए लॉन्ग टर्म जो हमारे बॉन्ड्स थे उनको बाय किया, शॉर्ट टर्म सेल करने शुरू कर दिए, क्योंकि हम चाह रहे थे कि शॉर्ट टर्म वाले हमारे जो है जितने भी हमारे जो रेट्स हैं उधार देने का रेट है शॉर्ट टर्म वाला थोड़ा इंक्रीज हो, लॉन्ग टर्म वाला डिक्रीज हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर किसी को अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा बनाना है तो लॉन्ग टर्म की कॉस्ट कम हो जानी चाहिए, सरकार की भी लॉन्ग टर्म की कॉस्ट कम हो जाएगी बोरो करने की। तो ऑपरेशन ट्विस्ट में हमारा एजेंडा क्या था, कि हमने 10,000 करोड़ के लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जो खरीदे एंड शॉर्ट टर्म बॉन्ड बेच दिए, ठीक है। तो उससे असर भी हुआ, हमारा यील्ड कर्व थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में मॉडरेट हुआ, शॉर्ट टर्म में ऊपर चला गया, ओके। देन दोस्तों आपसे एक थोड़ा थ्योरेटिकल सवाल पूछ सकते हैं, यील्ड कर्व में यील्ड कर्व होता क्या, ये भी आप समझ लेना यहीं पर। तो यील्ड कर्व पर्टिकुलरली वो कह रहे हैं कि अगर रिसेशन आने वाला है तो यील्ड कर्व की शेप क्या हो रहेगी। दोस्तों 2011, 10, 12 में ऐसे सवाल बहुत सारे आया करते थे कि शेप पूछ के आपको इकोनॉमी में सवाल डिस्कस करते थे। देन दोस्तों यहां पर है कि अगर लॉन्ग टर्म में अगर आपकी यील्ड कम होती जा रही है, ठीक है, अगर जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है इन्वर्टेड बोलते हैं जिसको नेगेटिवली स्लोप्ड, यहां पर अगर आपको ऐसा नजर आता है तो रिसेशन आने वाला हो सकता है। जनरली ये साइन रहता है एक ऑफ कमिंग रिसेशन। ऐसा क्यों है? दैट मींस कि अगर लॉन्ग टर्म में उधार के पैसे कम हो रहे हैं, जैसे आइडियली अगर मैं आपसे पैसा उधार मांगने आऊं कि एक साल में वापस कर दूंगा और ये बोलूं मैं 15 साल में वापस करूंगा, तो आप कहेंगे 15 साल बाद तो मुझे पता नहीं मैं कहां आऊंगा, तो 15 साल वाले की कीमत ज्यादा पड़ेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लूंगा मैं, ठीक है। तो आप मुझसे ऐसा डिमांड कर सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा, लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर कम है, ठीक है, यहां पर कम और शॉर्ट टर्म में ज्यादा, ये क्या बात बनी? क्योंकि शायद लॉन्ग टर्म में लोगों को लगता ही नहीं कि कोई खास कोई ऐसी कोई डिमांड होने वाली है, रिसेशन नहीं होगा, डिफ्लेशन हो सकती है, इकॉनमी थोड़ी बर्बाद हो सकती है, इसीलिए लॉन्ग टर्म में जो लोग कहते हैं चलो सस्ते में ही ले लो लेकिन उधार तो लो, तो उधार लेने वाले भी कम हो जाते हैं, इसीलिए ये दिखाता है कि लॉन्ग टर्म में उधार लेने वाले भी कम हो गए एटसेट्रा मल्टीपल लेवल पे, इसलिए दिखाता है यील्ड कर्व लॉन्ग टर्म का अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है दैट मींस कि दिक्कत आने वाली है, अच्छे दिन जाने वाले हैं, ओके। देन दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो जो यहां पर अगर आप चाहें तो देखना यील्ड कर्व क्या होता है कैसे नहीं, तो सिंपल सी बात है कि यील्ड कर्व का मतलब क्या होता है कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में आपको दिखाता है कि कितने इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, ठीक है, ओके। देन दोस्तों फास्ट ट्रैक देश भर में लागू कर दिया गया इस साल, इसको जो मैनेज करने वाली एजेंसी का नाम भी IHMCL है, हाईवेज जो मैनेजमेंट करती है इंडियन हाईवेज, तो ये किसकी कोलैबोरेशन से बनाई गई, NHAI एंड NPCI, ठीक है, गलती कभी नहीं करनी, NPCI UIDAI एक्सेट्रा देखिए तो ऐसे ही फालतू ऑप्शन है, ठीक है। अटल जल पर 2 मिनट का वीडियो मैंने डाला हुआ है, अटल जल ADB नहीं वर्ल्ड बैंक ने उसको, और पैन इंडिया स्कीम नहीं है, अभी लिमिटेड स्टेट्स में ही चल रही है आज भी, ठीक है दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स या जिसको जल शक्ति भी कहते हैं अब, तो उस मिनिस्ट्री में चला गया है एंड सेंट्रल असिस्टेंस द्वारा और भी इसमें बजटरी सपोर्ट देने की ट्राई की गई है, कुछ पैसा वर्ल्ड बैंक से बाकी सेंट्रल असिस्ट करेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आए दिन RBI निकाल देता है, RBI लेकिन निकालता कौन सी सब कमेटी के, उसमें FSDC, ठीक है, FSDC ये
यूपीएससी में अगर ये सवाल अगर ना पूछे तो यूपीएससी को शायद मजा नहीं आता। एफएसडीसी पर हमारे वीडियोस अवेलेबल है, मैंने रिसेंटली एफएसडीसी पर एक क्विक वीडियो बनाया है बच्चों के लिए जो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, प्लीज देख लीजिएगा, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट सुप्रीम रिक्वेस्ट। ओके देन दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर है कि भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर है गोल्ड का, कोई नई बात नहीं है, और अगर गोल्ड इंपोर्ट करना कम करते हैं भारत का ट्रेड डेफिसिट कम हो जाता है, जो रिसेंटली भारत ने विटनेस भी किया जब लॉकडाउन लगा हुआ था, किसी को सोना चांदी खरीदने की कोई शौक नहीं था, तो ओवरऑल हुआ क्या, ओवरऑल लोगों ने गोल्ड कंज्यूम करना बंद कर दिया, भारत का जो करंट अकाउंट सरप्लस आना शुरू हो गया। ओके देन दोस्तों मर्चेंट डिस्काउंट रेट था, भारत सरकार ने कहा कि अब जो डिजिटल पेमेंट करने पे आपको चार्जेस टैक्सेस लगते थे अगर रुपए वाला कार्ड से करेंगे कुछ नहीं लगेगा, एमडीआर है ना, ये सवाल यूपीएससी पूछ चुका है वैसे पहले, एमडीआर से जुड़ा हुआ। एसडीजी इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, 17 में से 16 एसडीजीज को असेस करता है, बताता है भारत की प्रोग्रेस क्या चल रही है, एंड देन नीति आयोग द्वारा, यहां पे लिखा होगा नीति आयोग द्वारा इसको निकाला जाता है, और ये देखता है कि पूरे जो हमारे जो 17 में से जो 16 एसडीजीज की बात करता है, 17वें एसडीजी को क्वालिटेटिवली असेस करता है कि हमने कितना काम किया, 100 इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, और उस पे वैसे मेंस पे सवाल अच्छा बनता है लेकिन प्री में भी आ सकता है। ओके बीएससी सेंसेक्स स्टैटिक सवाल कि कैसे चलता है, कितने कंपोनेंट्स हैं। ओके इन्फ्लेशन अगर बढ़ रही है तो सेंट्रल बैंक को क्या करना चाहिए, ना कोई चमत्कारी सवाल नहीं है ये। कोल सेक्टर नेशनलाइज कब हुआ था, भारत नेट का कोल इंपोर्टर है, ठीक है, तो ये बातें कोई छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना यहाँ मार्क की हुई हैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले ही मार्क कर दिए। देन दोस्तों जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग आई थी, भूले बिसरी चीज़ें यूपीएससी को पूछने की आदत है, 2015 में जो लागू हो गई थी, लेकिन स्टिल देखें तो 1934 वाला एक्ट था, हमने अमेंड किया था, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा एक्ट अमेंड हुआ था और क्या लिमिट थी, 2 से लेकर 6% तक है, कहाँ पहुँचना है, लेकिन इन्फ्लेशन में 4% पर पहुँचना है। ओके दोस्तों कोई वायरस थ्रेट आ गई, कौन सी वायरस थ्रेट दोस्तों चली गई, चलो ओके वायरस तो अभी एक ही चल रहा है दुनिया में। देन आगे देखें तो अब तो वायरस का नाम तो उनके से डर लगता है, अरे वायरस ये क्या हो गया, तो ओके देन यूएस देखें, भारत का टॉप कंट्री है एक्सपोर्ट जहां करते हैं हम, एंड चाइना से सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं और इसीलिए चाइना के खिलाफ मुहिम भी चलती है। एंड देन दोस्तों टैक्सेस की बात करें तो ये नीचे मैंने बहुत सारे ग्राफ लगा दिए, इसको आप थोड़ा सा 2 मिनट लगा के जो कर लेंगे एनालाइज, तो कॉर्पोरेट टैक्स है इनकम टैक्स से ज़्यादा ही रहा है बहुत टाइम से, डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी 5% से ऊपर रही है, कम से कम 10+ साल हो गए हैं, ठीक है, तो ये कॉर्पोरेट टैक्स अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट हमेशा ही ज्यादा रहा है, ठीक है, कभी भी ऐसा साल मुझे दिखा नहीं, आप देखेंगे शायद दिख जाए कि जो कि इनकम टैक्स ज्यादा हो लेकिन कॉर्पोरेट ही ऊपर रहे। ओके देन यहां पर एक और जो हमने बजट से डेटा लिया वो यही था, डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो ये 2006-07 के बाद तो 5% से ऊपर ही रही है, नीचे नहीं आई, पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं है कि राइजिंग ही है, राइजिंग नहीं है डेफिनेटली, ऊपर नीचे वेरी करती है लेकिन 5 से ऊपर रही है। ओके देन दोस्तों डीआईपीपी को जो रीनेम कर दिया गया था, दीपम बना दिया गया, मैंने इस पर भी एक सॉरी जो डीआईपीआईटी आईआईटी बना दिया था इस पर भी मैंने वैसे 2 मिनट बनाया लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, आ गया तो बैड लक है हमारा। ओके वैसे 2 मिनट बना के रखा हुआ, अगर आपने पढ़ा हुआ तो बस एक क्विक ग्लास रख देना, ठीक है, क्विक ओके ओके हाँ जी देख लिया। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री अभी कौन सी में आ गया, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पहले क्या थी अर्लियर मार्क कर दिया कंज्यूमर अफेयर्स, ठीक है, तो वहां था, अभी डीआईपी आईआईटी कहां पर चला गया, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, बजट की ही हैं ये सब बातें। जल शक्ति अभियान है, जल शक्ति, इसमें बच्चे गलती कर सकते हैं कि शक्ति अरे अच्छा पावर प्रोडक्शन होगा, नहीं नहीं पावर प्रोडक्शन नहीं है, वाटर कंजर्वेशन वाला अभियान है, मल्टीपल इसमें जो फेजेस हैं, एंड देन जन आंदोलन एटसेट्रा की बात की गई है, देन रेटून क्रॉपिंग को भी प्रमोट किया गया बजट में। रेटून क्रॉपिंग क्या होती है दोस्तों, ऐसा हो सकता है ना, मान लीजिए कि आपने जैसे कोई फल कोई पेड़ उगाया, आप उस पेड़ को काट नहीं देते हर बार, उसमें से नए नए फल उगते रहते हैं, आप उसको उसमें से फल निकालते रहते हैं, ठीक है, पेड़ वहीं रहता है 7-8-10 साल, तो ऐसे बहुत सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि इसमें उगा सकते हैं, जैसे पाइनएप्पल, जैसे बनाना, शुगर केन एंड राइस भी, ठीक है, रेटून क्रॉपिंग कहते हैं जिसमें पूरे के पूरे प्लांट को रिमूव नहीं कर दिया जाता, ठीक है, फॉर एग्जांपल वीट को आप अगर उगा रहे हैं तो वीट को पूरी की पूरी फसल हटा देते हैं, नई फसल उगानी पड़ती है हर साल, प्लांट वही नहीं रहता। मोनोकॉट जो होते हैं, मोनोकॉट्स में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना इसको जो ज्यादा जो पॉसिबल है, एंड देन कुछ जो फसलें जिन पर ये हो सकता है रेटून क्रॉपिंग, न्यूज में था तो क्वेश्चन भी बन गया, ठीक है दोस्तों। ओके एंड देन क्योंकि यहाँ पर जो पिंक बॉलवॉर्म का अटैक था ये वो एक्सेट्रा, तो ये भी बात है क्योंकि अगर एक बार पौधे में अगर बॉलवॉर्म आ गया वहाँ पे, अगर वो कीड़ा आ गया तो रहेगा फिर वो, तो फैलने के चांस बढ़ जाते हैं, रिटर्न क्रॉपिंग का ये थोड़ा थ्रेट है। ओके देन रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, जो विंड एनर्जी सोलर एनर्जी किसने लीड किया नहीं किया एक बार देख लीजिए, ठीक है, जो पैटर्न्स है ना मेरे हिसाब से जब भी कभी आप ऐसे कोई नंबर्स देखें तो हमेशा एक जो एक रूल बना लीजिए, पैटर्न्स पक्का देखने हैं कि राइज कर रहे हैं या फॉल कर रहे हैं, तो इसलिए सोलर तो सबसे ज़्यादा पावर जो कैपेसिटी
आईपी ऐड हुई, लेकिन सबसे ज्यादा पावर अभी भी विंड से ही प्रोड्यूस होती है। ओके, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज में भारत को एक और शहर को जगह मिली इस साल, एंड देन दोस्तों मुंबई शामिल हो गया है फिल्म्स के कारण, ठीक है। जो यूनेस्को की जो क्रिएटिव सिटी लिस्ट है इसमें एक बार देख लेते हैं कितने हमारी ओवरऑल जो जो जगह जो चीज़ें होती हैं, 7 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। ये हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर टाइप में पूछा जा सकता है हमसे, ठीक है। 7 वैसे हमारी जो होती हैं उसमें हमारी जो एक मुंबई ऐड हो गई है एंड एक हमारी हैदराबाद, मुंबई फिल्म्स के चलते ऐड हुई है, हैदराबाद गेस्ट्रोनॉमी खाने पीने को लेकर, बिरयानी है ना, हैदराबादी बिरयानी, बस ऐसे याद करने की कोशिश कीजिए। यूनेस्को की है, आपसे पूछ सकते हैं क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क किसका है, सर यूनेस्को का है, कल्चर की बात यूनेस्को ही करता है। पहले भी भारत की 3 सिटीज हैं, जयपुर बनारस एंड जो हमारी चेन्नई, ठीक है। ठीक है, जो चेन्नई वाराणसी जयपुर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, दिल्ली नहीं है इसमें। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पर भी अमेंडमेंट की गई, उसको आपके इनकम का पार्ट बना दिया गया है, अब जो सेपरेटली टैक्स नहीं करेंगी कंपनीज आपके इनकम में, तो दैट मीन्स डायरेक्ट टैक्स हो गया। एंड देन उसके बाद जो जो पोर्ट्स पे जो खबर है वो भी देख सकते हैं ना, पोर्ट्स के जो ट्रेंड आता रहता है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों क्या 2 पोर्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान से देखिए, आप आंसर देखिए बनाइए, ठीक है। ओके, देन अगर किसी स्टेट में 2 या उससे ज़्यादा अगर पोर्ट्स हैं इंपॉर्टेंट मेजर पोर्ट्स 12 में से, तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। NOFN के को भी हमने फिर से प्रमोट किया बजट में, तो जो फाइबर ऑप्टिक पे सवाल बन सकता है, बनाने की कोशिश की कि फाइबर ऑप्टिक में इंफ्रारेड लाइट यूज़ होती है, इसी कारण यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं होती इंफ्रारेड लाइट में, तो बहुत दूर तक इसको हम भेज सकते हैं बिना इसकी इंटेंसिटी कम किए, जबकि इलेक्ट्रिकल केबलिंग है उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होने के कारण बहुत दूर तक सिग्नल नहीं भेजा जा सकता, तो इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केबल प्रेफर्ड नहीं है कंपेयर टू फाइबर। फाइबर बेटर चीज है दूर तक अगर डेटा हमें सेंड करना है, ठीक है। तो वही हमने बात की, ये पैसा कहां से आ रहा है, USOF से आ रहा है, यूनिवर्सल जो सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, पहले भी मैंने आपको कहा था इसके बारे में पढ़ना जरूरी। देन दोस्तों भारत सरकार ने कहा कि हम 5 आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर चाहते हैं म्यूजियम्स बनाना, तो उनके स्टेट से मैच करवा दिया। थोड़ा थोड़ा अगर आप देख लेंगे ना, राखीगढ़ी में क्या मिला, हस्तिनापुर में क्या मिला, यहां 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 क्या मिला, फायदे में रह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कहीं पर आपको लेट्स से पॉटरी मिलती है, कहीं पर आपको सिटीज़ में ऐसे जो पर्टिकुलर तरह की जो एक डेवलपमेंट मिलती है, कुछ भी है ना, देख लीजिए। इनकी जो स्टेट्स हैं वो तो चलो बहुत ही बेसिक सवाल है, लेकिन इनमें मिला क्या हमें पता होना चाहिए, हमने आपको क्वेश्चन हिस्ट्री के टेस्ट में भी पूछे हुए हैं। ओके, देन दोस्तों मैरीटाइम म्यूजियम भी बन रहा है एक लोथल में, ठीक है। जो लोथल पर्टिकुलरली एक हमारा पोर्ट शायद हुआ करता था हड़प्पन एरा में। ओके, देन दोस्तों G20 प्रेसिडेंसी के लिए भी भारत सरकार ने पैसा रख लिया था, हमने आपको बताया था 2022 में, जब भारत की 75वीं वर्षगांठ है जी, वर्षगांठ किसकी, इंडिपेंडेंस की, आजादी मिली थी हमें किससे, अंग्रेजों से। बाकी चीजों की आजादी भी पेंडिंग है बहुत सारी, भुखमरी से है ना, वुमेन एम्पावरमेंट, वो आपके एसए के टॉपिक्स हैं, तो लेकिन चलिए एसए की याद भी मैं क्यों दिला रहा हूं, ताकि मेंस तक पहुंच जाए दोस्तों, थोड़ी सी जज्बा लेकर और डरना नहीं है। ओके, ठीक है, G20 की पहली मीटिंग कब हुई थी देख लो, है ना, ऑल राइट। ओके, G20 पे एक बार क्विक कि 19 तो है ही है, 20वां हमारा यूरोपियन यूनियन होता है, एंड यूरोपियन यूनियन के ऑलरेडी जो मेंबर्स हैं यहाँ पर देखने को मिलते हैं आपको, फॉर एग्जांपल फ्रांस, ठीक है, यूके पहले था अभी नहीं है। ओके, देन दोस्तों DICGC की बात करें, 5 लाख कर दी गई है लिमिट 1 लाख से, है ना। एंड देन रीजनल रूरल बैंक्स क्या एग्जम्प्ट हैं, जी नहीं सर, हैं जो कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव रूरल बैंक्स, ठीक है जी, सभी तरह के, इवन की प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अगर वो प्राइमरी बैंक्स बन जाती हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स, उनको भी DICGC के पास जाकर अपना प्रीमियम पे करना है, ठीक है। प्रीमियम कौन पे करेगा दोस्तों, बैंक पे करेगा, बैंक पे जब कर देगा उसको इंश्योरेंस मिलनी शुरू हो जाएगी कि उसके पैसे अगर डूबे तो 5 लाख रुपए मिल जाएंगे हमारे, मैक्सिमम हमारे किसको, जो भी उनके कस्टमर्स होंगे। देन जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इंश्योर नहीं करता, दैट इज करेक्ट, किसी चीजों को इंश्योर नहीं करता, वो थोड़ी सी लिस्ट देख सकते हैं क्योंकि DICGC अमेंड हुआ था इस बार, देखना जरूरी। देन दोस्तों CDSCO जो है ना, ड्रग जो सेंट्रल ड्रग्स जो स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, दवाइयों की जो स्टैंडर्ड्स पे बात करती, इसी के कारण मैंने आपको बताया भी था फार्म एक्सेल भी न्यूज में था, ठीक है, फार्म एक्सेल जो VEXCIL, ऑलराइट। तो अब CDSCO की बात करें, जो डिपार्टमेंट जो हमारा, जो ये सवाल UPSC ने एक बार जब पूछा था, यही पूछा था कि क्या इनके अंडर आता है, जी हाँ इनके अंडर आता है, रीसेंट 3-4 सवालों जो सालों में ही सवाल पूछा गया। एंड देन दोस्तों DPCO इसके तहत नहीं आता, जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर अगर हम देखें तो वो हमारी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के तहत ही आता है, वही DPCO ऑर्डर जो लागू करती है। देन दोस्तों शोर पावर न्यूज में थी, आपको लग सकता है कि हमारे शोर्स में बहुत बिजली पैदा हो रही है, नहीं ऐसा नहीं है। तो शोर पावर क्या होता है, अगर आपकी कोई किश्ती कोई शिप खड़ी है आपके किनारे पर, तो उसको बिजली चाहिए, उसका इंजन वहां पे ऑन कर देंगे तो बहुत पॉल्यूशन होना शुरू हो जाएगा शोर्स पर, है ना, हमारे जो पोर्ट्स पर, तो इसीलिए उसको जो हमारे जो जितने भी पोर्ट्स होते हैं वहीं से ही बिजली जाती है शिप को, एंड शिप के सारा काम चलता रहता है। तो
अगर हम इसी बिजली को अगर हम रिन्यूएबल कर दें तो उसको हमने नाम दिया ग्रीन पोर्ट, ग्रीन पोर्ट इनिशिएटिव, कि जितनी भी शोर पावर है बिजली को, बिजली चाहिए शिप को, उससे हम सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया, ग्रीन पोर्ट इनिशिएटिव भी समझ आ गया। ओके, विवाद से विश्वास, ये डायरेक्ट टैक्स को रिजॉल्व करने के भारत सरकार की स्कीम है। देन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सरकार बेचने वाली है। तो ये जो LIC 1956 में एस्टैब्लिश की गई थी जब भारत को इंडस्ट्रियलाइज करने की बहुत मुहिम थी 1971, ये गलत है, इसीलिए और स्टैचुटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए एक्ट भी पास हुआ था। ओके, देन दोस्तों FATF फिर से आ चुका है एक बारी, अब आपने इसको रिमाइंड रिकॉल करने की कोशिश करो, 1989 ने बना था, बिल्कुल सही, 89 में OECD, नहीं 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 सर, ये OECD नहीं, G7 ने बनाया था। FATF की ग्रे लिस्ट भी जो होती है, जो टेरर फंडिंग के खिलाफ, पाकिस्तान पहला कंट्री होगा ब्लैक लिस्ट, जी नहीं सर, हमने देखा था दो और कंट्रीज हो चुकी हैं पहले ही। ठीक है, ओके, देन कोडेक्स ट्रस्ट फंड, भारत को पैसा मिलना शुरू हो गया है कोडेक्स ट्रस्ट फंड से। दोस्तों ये किसके द्वारा चलाया जाता है, WHO एंड FAO दोनों मिलकर चलाते हैं। इसी की ही एक किताब आती है जो दुनिया भर में चाहती है फूड स्टैंडर्ड्स की बात करना, कोडेक्स एलिमेंटेरियस, है ना, एलिमेंट्री कैनाल, मैंने आपको पहले ही बताया था एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, जो आपके खाना पहुंचाती है आपके पेट तक। ठीक है, तो इसीलिए खाना पहुंचाने वाली ही कैनाल पर बेस्ड कोडेक्स एलिमेंटेरियस। ठीक है, कि कैसे हमें कोड बनाने चाहिए, खाना अच्छा बने दुनिया में, अच्छा खाना ही लोगों को खिलाया जाए। ओके, AGR इतना ज्यादा न्यूज में था, अखबार भरे रहे बहुत टाइम तक, हमें पता होना चाहिए। 2 मिनट सीरीज अवेलेबल है AGR पर, देख सकते हैं कि क्या वहां पे मुद्दा था, कौन से रेवेन्यूज की बात हो रही है। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर बेस्ड था, नॉट प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल। ठीक है, तो इसी जो नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी की कुछ बातें जान सकते हैं, DOT का क्या वहां पे पॉइंट था, तो क्या सवाल बन जाए, वी जस्ट डू नॉट नो कि कौन से गेन्स वहां पर चैलेंज किए गए। ओके, दीपम की बात करें अगर, तो दीपम हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में अभी, अदरवाइज तो दीपम क्या थी, पब्लिक एसेट मैनेजमेंट है, अदरवाइज डिसइन्वेस्टमेंट की मिनिस्ट्री थी पहले, तो उसको नाम दे दिया कि अभी पब्लिक एसेट को मैनेज भी तो करना है, सिर्फ बेचना थोड़ी ना, तो एंड देन इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज नहीं है जो हमारी फाइनेंस के अंदर थी, तो पहले इसको डिपार्टमेंट कहते थे, बात यहां पर ये करेक्ट है। ओके, देन दोस्तों पेंडेमिक बॉन्ड्स क्यों लाए जाते हैं, ये वर्ल्ड बैंक द्वारा लाए गए थे, एंड पर्टिकुलरली वर्ल्ड बैंक की ही एक स्पेशल एजेंसी है, अगर आप उसको देखें तो वर्ल्ड बैंक की स्पेशल एजेंसी हमारी कौन सी है, IBRD। ठीक है, तो IBRD ने ही इसको लॉन्च किया, तो ये जनरली इसलिए रहता है कि आप अगर लेट्स से आपने इंश्योरेंस ली है पेंडेमिक, अगर बॉन्ड आपने लिए हैं लेट्स से, तो आपके रिटर्न्स कम होने शुरू हो जाएंगे, अगर पेंडेमिक हो गया तो आपके रिटर्न्स कम होने शुरू हो जाएंगे या फिर आपका पैसा डूब जाएगा, तो इसीलिए अगर पेंडेमिक अगर बढ़ता जा रहा है, आपके रिटर्न्स घटते जा रहे हैं, तो आप दबाव बनाएंगे नेशनल एजेंसीज पर कि इस पेंडेमिक को रोकिए, क्योंकि मैंने पैसा लगाया था वो पैसा बर्बाद हो रहा है। ठीक है, तो गेटिंग इट, तो इसी से पैसा भी मोबिलाइज होगा, जनता का भी दबाव आएगा कि आप कैसे इस पेंडेमिक को रोक क्यों नहीं रहे हैं। ठीक है, देन ESOP जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन है भारत में अलाउड है, लॉन्ग टर्म में लोगों को रिटेन करने के लिए यूज किए जाते हैं। एंड देन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इस बार अमेंड हो गया, रिसेंटली ही अमेंड हुआ, तो उसमें देखें अगर ये थोड़ा सा यहां पर जो ये जो न्यूज है इसके बारे में अगर देख लेंगे, जान लेंगे, मैंने प्री क्योर में डिस्कस किया हुआ है लेकिन कॉन्टेंट यहां बोरो करके लिख दिया। ठीक है, तो कि कब आया था और कौन सी चीजें रेगुलेट कर सकते हैं इससे। ठीक है, एंड देन उसके बाद अभी इसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि बहुत लिमिटेड सर्कमस्टांसिस में ही इसको यूज किया जाएगा। इसीलिए प्री क्योर में हमने वही थोड़ा मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, कि कौन सी जो प्रोविजंस पे हमने इसको जो चेंज करने की बात की है। ठीक है, ओके, एंड देन टोटलाइजर मशीन हमारी इलेक्शंस में यूज़ होती है, कुछ यहाँ पे चमत्कारी बात नहीं है। फॉरेक्स पर आपको मैंने अगेन कहा था, वो वीडियो देखने के लिए देख लिया होगा तो ये सवाल सॉल्व आपका हो जाएगा आराम से। ठीक है, क्योंकि उस वीडियो में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उस छोटी सी छोटी बातें भी उस वीडियो में डाल दी गई हैं। मुश्किल सवाल पूछ लें फॉरेक्स का, आपको आता होगा। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स 25,000 जगह पे हमने वीडियोज़ बनाकर भी डिस्कस कर दिया, इस पर टाइम नहीं लगाएंगे। साख की करेंसी जो स्वॉप फैसिलिटी, आप रुक कर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। क्या दोस्तों $10 बिलियन था, बताइए। ठीक है, तो याद आ रहा है कुछ, 10 बिलियन नहीं थे दोस्तों, कितना है, $2 बिलियन। ठीक है, इन तीनों करेंसी में हो सकता था, 2012 में ऑपरेशनलाइज हुआ था, भारत ने रिसेंटली एक्सटेंड कर दिया। ओके, देन दोस्तों उसके बाद देखिए तो ये अच्छा PFMS आ गया, जो दोस्तों हमारे जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, जो बहुत सारा सेंटर पैसा देता है, चाहे स्टेट्स को चाहे जैसे भी वेरियस स्कीम्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, तो उसको ट्रैक करने के लिए कि क्या हम ये सही पैसा सही जगह जा रहा है, एक पूरा एक PFMS एक चीज़ बनी हुई है, जो DBT सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम या सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मनरेगा का पैसा। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं चाह रहा हूँ आपको बताना कि ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है, सेंट्रल जो हमारा है जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, नॉट CAG, इट इज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारे CGA साहब हैं वो इसको ओवरसाइट इसकी देखते हैं, डिजिटल इंडिया मिशन में भी ये आपको कंट्रीब्यूट करता है। हाइड्रोपोनिक्स, ये इसको प्रमोट करने की बात है,
कि जब विदाउट सॉइल उगा सकते हैं। एक्वा कल्चर नहीं कहा जाता दोस्तों, एक्वा कल्चर तो होता है कि जो जो वो उन चीज़ों को उगाना, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेश वाटर या मरीन एनिमल्स ऐसे जो होते हैं उसमें जो जो पर्टिकुलरली ऐसे, जैसे आप जानते होंगे ना कि वो जो जो चीज़ें पानी में, जैसे फॉर एग्जांपल फिशेज एट्सेट्रा अगर बनाई जाएँ, प्रॉन्स, तो जो सिर्फ कमर्शियल पर्पजेज के लिए, तो वो एक्वा कल्चर कहलाएगा। ओके, येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड्स के साथ जुड़ा हुआ है, इसको बढ़ाने की बात की है क्योंकि भारत बहुत सारा ऑयल इम्पोर्ट करता है। ऑयल कौन सा? खाने वाला, कुकिंग और इवन जो कंजम्पशन वाला। देन नॉमिनल जीडीपी की बात करें, भारत पांचवा इकोनॉमी बन गया था, लार्जेस्ट इकोनॉमी। अगर ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, प्राइस अगर बदल जाए, चीज़ें महंगी हो जाएं लेकिन प्रोडक्शन नहीं बदल रही, तो नॉमिनल जीडीपी तो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ओके, एंड देन दोस्तों फार्म एक्सेल, फार्म एक्सेल हमने प्री क्योर में डिटेल में किया है। फार्म एक्सेल मैंने आपको अभी बताया था रिसेंटली, डीपीएसओ के चलते भी, एनपीपीए के चलते फार्म एक्सेल न्यूज़ में है। कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी बात जरूरी है, थोड़ा देख लेना। ठीक है, एंड देन एडिशनल टीयर बॉन्ड्स, ठीक है, टीयर वन बॉन्ड्स, ये भी हमारे टीयर वन बॉन्ड्स हैं। इनको अभी येस बैंक क्राइसिस के चलते न्यूज़ में थे कि जो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना, बॉन्ड्स हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट तो है ही, टीयर वन कैपिटल का पार्ट है बैंक की, इनको खत्म करने की बात हो रही है। आरबीआई कह रहा है कि इनको हटा दीजिए। ठीक है, और ये जो छोटी छोटी बात है ना कि क्या ये इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है, एंड एटसेट्रा, तो ये जो चीज़ें अगर एक बार आप क्विक इन पे नज़र डाल लेंगे तो अगर शायद कोई मुश्किल सवाल आए हम सॉल्व कर सकते होंगे। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, तो एक तो फॉरेन करेंसी में उधार लिया है ना, बॉन्ड्स दिख रहे हैं कन्वर्टेबल कि शायद थोड़े टाइम बाद उनको हम अपने शेयर्स में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, एंड फॉरेन में लिया है तो ओवरसीज मार्केट की ही बात हो रही है। एयरटेल ने रिसेंटली ही बहुत बड़ा लोन लिया था $3 बिलियन का। ओके, अगर सोलर रूफटॉप में देखें, मैक्सिमम रैंक वन हमारे गुजरात का आया, 64% हमारे देश में जितनी भी सोलर रूफटॉप्स हैं वो गुजरात में, वहां पर एक स्कीम भी चलती है सूर्य गुजरात। ओके, देन दोस्तों ये स्टैंडर्ड स्टैटिक क्वेश्चन है एनडीपी जीडीपी जीएनपी पर। देन जेंडर गैप रिपोर्ट, मैंने आपको कहा था डब्ल्यूईएफ की अगर रिपोर्ट्स का आपका वीडियो देख लिया होगा आपको ये आता होगा सवाल, नहीं देखा तो इसको प्लीज सॉल्व तब कीजिएगा जब आपने एक बार वीडियो देख लिया। ओके, देन वर्ल्ड बैंक की एजेंसीज मैच करवा लेते हमसे, आईबीआरडी तो है ही है, चलो ठीक है, गवर्नमेंट्स को, मिडिल इनकम गवर्नमेंट्स को उधार देने के लिए, आईडीए गरीब जो सरकारें होती हैं उनको उधार देने के लिए, आईएफसी प्राइवेट सेक्टर भी उधार लेता है बहुत बार तो उसको उधार देने के लिए, एंड देन उसके बियॉन्ड भी अगर देखें तो मीगा भी एजेंसी है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की, आईसीएसआईडी भी एक और एजेंसी है जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स वगैरह को सेटल करने में हेल्प करती है। देन इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर था कि जो बहुत सारे जो शिप्स एटसेट्रा वेसल्स चल रहे हैं इंडियन ओशन में उसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाए, तो उसके लिए एक इंडियन ओशन रीजन के लिए आईएफसी बना दिया गया, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, ठीक है, भारत में ही उसका जो गठन किया गया, तो गुड़गांव में, गुरुग्राम में उनका वहाँ पर जो ऑफिस बनाया गया, हेडक्वार्टर्स है। ओके, तो एंड देन उसके बाद जो डीएनएस अलाउंस वाला क्वेश्चन फिर से दोस्तों रिपीट हो गया, मैंने आपको बताया था ना कि ऑल इंडिया सीपीआई, मैंने तो आपको वो भी बता दिया था कि इंडस्ट्रियल वर्कर की यूज़ की जाती है, AICPI क्या WPI है? जी नहीं। क्या PPI? जी नहीं। CPI, दैट इज़ करेक्ट। CPI में भी कौन सी? इंडस्ट्रियल वर्कर की जो जो यूज़ करते हैं DA के लिए। ओके, DNS अलाउंस। ओके, देन FSSAI ने बोला कि रुको करो, रुको का मतलब क्या है कि रीपर्पज यूज कुकिंग ऑयल, ठीक है, रिड्यूस करना, रिडक्शन ऑफ यूज कुकिंग, रीडिजाइनिंग, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो जो ऐसा होता है, जो कुकिंग ऑयल होता है आप देखते होंगे शायद, जो मोमोज वाले भैया होते हैं वो बार बार उसमें पकाई जा रहे हैं, है ना, चीज़ों को, तो एक पॉइंट के बाद वो रीयूज करने के काबिल नहीं रहा। तो FSSAI कह रहा है कि उसको यूज करके हम बायोडीजल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप उसको बेचिए। उसी के लिए FSSAI ने वहां पे बायोडीजल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर रुको प्रोजेक्ट चलाया, ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो अब कुकिंग ऑयल इनएडिबल हो जाता है अगर उसमें टोटल पोलर कंपाउंड्स 25% से जो ज़्यादा हो जाएं, तो वो खाने के काबिल अब नहीं रहा, ठीक है, ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर अगर हो जाए, तो जो सॉरी 25% के ऊपर हो जाए TPC, तो नहीं खा सकते, तो हमने बात डिस्कस की है पहले। टी बिल्स की बात करें, दो नहीं दोस्तों 3 10 ईयर्स में आता है, और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पर अगर पे करने की बात है तो ये बात भी सही नहीं है, 3 10 ईयर्स, क्योंकि क्वार्टरली तो नहीं होगा ना, अगर 3 महीने का ही अगर हमने उधार लिया, तो इसीलिए इनको जो फेस वैल्यू पे ही रिडीम किया जाता है जब इनके रिडेम्पशन की डेट आएगी। ओके, ठीक है, ऐसे कोई क्वार्टरली एक्सेट्रा नहीं है, 0 कूपन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कोई बीच बीच में ऐसे कोई किस्त मिलेगी नहीं पैसे की, आपने अगर इसमें पैसा लगाया भी हुआ है, ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ 1 महीने 2 महीने बाद किस्त के पैसे आ गए, नहीं, जितने टाइम के लिए लिया था आपने, फॉर एग्जाम्पल 182 डेज वाला लिया है, तो 182 डेज के बाद ही आपको पूरा पैसा विद इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज 0 कूपन में क्या होता है, अगर आपको लेट से जो मेच्योरिटी पे 100 रुपये मिलने हैं, तो आप इन्वेस्ट ही कितने करते हैं दोस्तों, आप इन्वेस्ट ही लेट से 95
5 करते हैं, बाकी आपको इंटरेस्ट लग के 100 मिल जाएंगे, ठीक है। तो जीरो कूपन बॉन्ड्स में ये होता है, इन बिटवीन कोई किस्त नहीं मिलती, फाइनल ही पैसा मिलता है। ओके, देन जो प्रीलिम्स 2019 के कुछ 4-5 सवाल हैं, ये आ चुके हैं। PNGRB है ना, आपने अरे नहीं पढ़ा, वैसे हम लास्ट टाइम क्रैश में डिस्कस किया था, तुक्के से ही डिस्कस हो गया था, ठीक है। तो PNGRB तो वो पहली रेगुलेटरी बॉडी थी भारत की, अरे सर पहली तो नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोल रहे हो आप। तो ये हटा दिया हमने, जहाँ पे ऑप्शन 1 नहीं है, एक ही जगह मिलता था आंसर और हमारा आंसर वो 2 और 3 बन गया, तो ये सॉल्व हो जाता था, ठीक है। इन केस है ना, एपेलेट ट्रिब्यूनल इसका इलेक्ट्रिसिटी वाला है एटसेट्रा, गैस की मार्केट, ये हो सकता है, ठीक है। हमने देखा ही है कि कैसी कैसी चीज़ें होती हैं, जो हमने देखा ही था सिक्योरिटी, जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है उसमें PFRDA के खिलाफ भी अपील आ सकती है, उसमें IRDAI के खिलाफ भी आ सकती है, ऐसा हो सकता है ना कि सेबी वाला जो हमारे सेबी के खिलाफ जहाँ पे अपील करते हैं 60 में, वहाँ पे PFRDA IRDAI का भी आ रहा है, ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी वाले ट्रिब्यूनल में इसका भी आता हो, तो ये बातें मानी जा सकती हैं, लेकिन पहला होगा थोड़ा बड़ी बात है, ठीक है। ओके, 2006 में बना, उसके पहले तो हमने अनगिनत हमने जो बना दिए रेगुलेटरी बॉडीज़। ओके, सोशल कैपिटल वाला सवाल था, तो थोड़ा जो प्राइमरी सवाल था, एंड देन उसके बाद कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वाला क्वेश्चन, ये मुश्किल सवाल नहीं थे, लेकिन अभी लास्ट ईयर के क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आप इनको देख लेंगे, आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि सवालों का लेवल क्या था, ठीक है। एंड इंसिडेंटली कवर्ड थे वेरियस जो सोर्सेज में, ऐसे ही बोलते बोलते कोई बात बोली जाती है उसमें कवर हो जाते हैं, इसीलिए इनको अपने साइड में बस लिख के रखिएगा, ठीक है, कि क्या आंसर है क्या नहीं। बाकी तो भगवान मालिक है ही, डेफिनेटली मेहनत भी बहुत यहाँ पर काम करती है, लक कब काम करना शुरू करेगा, जब हमने मेहनत की होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये सेकेंड पार्ट था, इसके बियॉन्ड अगर देखें तो कुछ महीनों के हमारे जो क्वेश्चन और हैं, अप्रॉक्सीमेटली 40-50-60 सवाल और होंगे, तो उनको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये रैपिडली हमने मार्च 2020 तक डिस्कस किया है बहुत, क्योंकि पहले उम्मीद थी तभी तक उतने में ही रिमिक्स हमारे प्री निकल जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा एक्सटेंड हो गया, तो इफ इट बिकेम पॉसिबल मैं डिस्कस करूंगा, अदरवाइज विल हैव टू डिस्कस अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, ठीक है। तो थोड़ा इको में कॉन्फिडेंट फील कीजिए, जो हमने टॉपिक्स की, मैंने 100 टॉपिक्स की लिस्ट दी है, उस पर जो आते हैं उसको टिक 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 कीजिए, जो नहीं आते हैं गूगल 10-15 के आसपास तो वीडियोज मैंने आपको इसी 185 जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए 10-15 के आसपास तो वीडियोस मैंने इसी में से बोल दिए, उन 15 वीडियोस को अगर आप 4-4 मिनट भी लगाएंगे 1 घंटा आपका वहाँ भी लगेगा अभी, तो प्लीज़ लगा लीजिए, इट्स अ रिक्वेस्ट, जब आपका रैंक आएगा तो ही हमें खुशी होगी, तो ही मज़ा आएगा, इतना कंटेंट बनाने के ट्राई करते हैं तभी कुछ उसका फल मिलेगा हमें भी, ठीक है। तो चलिए मेहनत कीजिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट, मिलेंगे अगले जो सब्जेक्ट के साथ, अभी ख़त्म नहीं हुआ ना प्रोग्राम, ये सारा प्रोजेक्ट प्रोग्राम, तो जल्दी मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।